फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीजीपीएससी मोबाइल कोर्स ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकत परवीन खान और आज व्यवस्था की आज की इस क्लास में हम न्यायपालिका वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि उसमें न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये सारे टॉपिक्स को हम सेकेंड लेक्चर में डील करेंगे। पिछली क्लास में हमने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को देख लिया था। आज की क्लास में हम बाकी के जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए थे उसे समझेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके कंसर्न्ड है एग्जाम के फॉर्मेट के हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यायिक समीक्षा से, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। ठीक, न्यायिक समीक्षा क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये इसका क्या वर्गीकरण है, इसी को थोड़ा सा समझना है आपको। हालांकि ये टॉपिक मेंस के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स में भी इससे जुड़े एक दो फैक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू है। क्या समझ में आया? किताबी जो शब्द होते हैं वो नहीं समझ में आते क्या उतने? होता है ऐसा, क्योंकि वो एकदम फॉर्मल तरीके से लिखे रहते हैं। अब इसको हम जनरल तरीके से समझते हैं। क्या लिखा है, तोड़ते हैं परिभाषा जो लिखी है उसे तोड़ते हैं। आखिरकार अगर आप मान लीजिए इसे मेंस में लिखते हैं तो फिर आपको इसे इसी शब्दों में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी अगर आप प्रीलिम्स में इसे सॉल्व कर रहे हैं तो फिर कंसेप्ट ही अगर आप समझ जाएं तो उतना काफ़ी है। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों, विधायी अधिनियम मतलब विधायी दिने मतलब विधायी प्रक्रिया के तहत जो भी नियम बने, मतलब संसद ने जो भी कानून पारित किए या राज्य विधानसभाओं ने जो भी कानून पारित किए विधायी दिने, तथा कार्यपाली आदेशों यानी जो भी एग्जीक्यूटिव है चाहे सेंट्रल लेवल की चाहे स्टेट लेवल की, जब भी वो कोई आदेश पारित करती है। ठीक है, तो एक तो वो लॉज की बात हो रही है जो संसद में या विधानसभा में बने हैं, और दूसरे उन आदेशों की निर्णयों की बात हो रही है जो कार्यपालिका के अधिकारियों ने लिए हैं। ठीक है, इन दोनों की संवैधानिकता की जांच होती है। ठीक है, ये नियमों की और आदेशों की जब संवैधानिकता की जांच होती है तो उसी को हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अब बात आती है कि ये जांच करता कौन है, न्यायपालिका जब करती है। ठीक, तो जांच की न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू है। ठीक है, अब इसको हम डिजेनरेट करके फिर से समझते हैं। केंद्र में संसद या राज्य में विधानसभा जब कोई कानून बनाती है या केंद्र राज्य कार्यपालिका जब कोई डिसीजन सुनाती है तो कोर्ट के पास, यानी केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय और राज्य में उच्च न्यायालय, इनके पास ये एक अधिकार होता है कि उन आदेशों और कानूनों को वो रिव्यू कर सके, उसकी समीक्षा कर सके, उसकी संवैधानिकता को जाँच सके। ठीक, और इन दोनों ही न्यायालयों की इसी शक्ति को या इसी प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। जब न्यायपालिका आदेशों की या बनाए गए प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करती है, एक लाइन में न्यायपालिका आदेशों की या विधायी कानूनों की समीक्षा कर रही है, उसे हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोर्ट द्वारा रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन कौन से, जुडिशियल नहीं, जो जनरल रूल रेगुलेशन प्रशासन के बनते हैं उसका रिव्यू हो रहा है। और अगर ये संवैधानिकता जांचने के बाद, यानी कि संविधान के हिसाब से है कि नहीं वो जांचने के बाद ये तय करती है कि वो जो बनाए गए कानून या पारित किए गए आदेश हैं वो गैर संवैधानिक हैं, तो फिर उन्हें निरस्त करने का भी जो कार्य है वो न्यायपालिका के पास। याद रखिएगा, मैंने शायद इसको पिछले लेक्चर में मेंशन नहीं किया पर कई जगह पर हमने अलग अलग लेक्चर्स में इस चीज़ को मेंशन किया है कि जो न्यायपालिका होती है इसे संविधान की रखवाली करने वाली एक इकाई कहा जाता है। संविधान का, इट इज़ नोन एज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो न्यायपालिका संविधान का अभिभावक है, ये मूल अधिकारों का गारंटर होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर कुछ भी गलत घट रहा है, संविधान के खिलाफ घट रहा है देश में, तो उस पर लगाम लगाने के जो अधिकार हैं वो न्यायपालिका के पास है। बस उसी अधिकार के तहत ये न्यायिक समीक्षा करने के लिए अधिकृत होता है। ठीक है, आई होप आपको परिभाषा तो समझ में आई होगी कि इसका मतलब क्या होता है। आगे देखते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी उत्पत्ति हुई है अमेरिका से, ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान में रखिएगा कि न्यायिक समीक्षा शब्द का इस्तेमाल भारत के संविधान में कहीं नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जिनसे हमें समझ में आता है कि भारत में न्यायिक समीक्षा जैसी कोई अवधारणा है।
ठीक है, लेकिन कहीं पर भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका ओरिजिनली जो यूज़ होता था वो अमेरिका में हुआ था और वहीं से हमने इसे इंडिया में अडॉप्ट किया प्रक्रियात्मक तरीके से, ना कि संवैधानिक तरीके से। हालांकि कुछ मैंने कहा कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो इस ओर इशारा करते हैं, पर शब्द का इस्तेमाल नहीं, उत्पत्ति अमेरिका से। ठीक, शक्ति किसे प्राप्त है, यानी अभी अभी मैंने परिभाषा बताते हुए ही बताया कि न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका करती है, पर न्यायपालिका के केवल दो ही अंगों के पास ये शक्ति प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो हैं या उनसे नीचे जितने भी न्यायालय हैं वो न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा किसको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक, संविधान की मूलभूत विशेषता है ये। न्यायिक समीक्षा के बारे में ये कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने कि न्यायिक समीक्षा ये मूलभूत ढांचे की जो अवधारणा है संविधान की उसका एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि न्यायिक समीक्षा के कॉन्सेप्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते, उस पर कोई संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, आधारभूत संरचना में जितने भी तत्व आते हैं आप सभी जानते हैं कि वो असंशोधनीय हैं, तो किसी भी संशोधन के जरिए न्यायिक समीक्षा वाले कॉन्सेप्ट को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये मूलभूत विशेषता यानी आधारभूत संरचना के एक तत्व के रूप में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो ये है न्यायिक समीक्षा का अर्थ, परिभाषा, उत्पत्ति और महत्व। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और पहलू देखते हैं हम। आप अभी तक अर्थ समझ गए, परिभाषा समझ गए, बाकी चीजें समझ गए। न्यायिक समीक्षा का वर्गीकरण, जब कोर्ट समीक्षा करती है तो किस तरह से उस समीक्षा को क्लासिफाई किया जाता है, संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा, विधायी प्रक्रिया से बने कानूनों की समीक्षा, प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा। जब मैं आपको परिभाषा एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने दो लाइन में ही सही इन तीनों चीज़ों को वहीं पर बोल दिया था। कुल मिलाकर ये वर्गीकरण ये बताता है कि जब समीक्षा होती है तो किन किन चीज़ों की समीक्षा होती है। पहली, संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा। अगर संसद संविधान में कोई भी संशोधन करती है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उस संशोधन की उसकी समीक्षा करके उसकी संवैधानिकता जांच सकती है, और अगर उसे ऐसा लगता है कि वो गलत है, संविधान के खिलाफ है जो संशोधन हुआ है, तो उसे रद्द कर सकती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, 99th अमेंडमेंट एक संवैधानिक संशोधन था जिसकी समीक्षा की सुप्रीम कोर्ट ने, और उसे लगा कि ये गैर संवैधानिक है तो उसे रद्द कर दिया। ठीक है, तो संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। विधायी प्रक्रिया से बने कानूनों की, अभी भी मैंने आपको परिभाषा में तोड़कर बताया कि विधायी प्रक्रिया में केंद्र और राज्य स्तर पर विधानसभा संसद जब भी कानून बनाती है तो अगर वो गैर संवैधानिक तो उसकी भी समीक्षा होती है। प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा, जितने भी केंद्र राज्य स्तर के सरकारी प्राधिकारी हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जब भी वो कोई आदेश देते हैं, ठीक है, कोई भी डिसीजन सुनाते हैं, उनकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आप किसी भी अधिकारी के ऑफिशियल आदेश को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, ये तीन चीज़ों की समीक्षा होती है। ठीक है, संशोधनों की, जनरल लॉज की और आदेशों की। ठीक है, ये तीन चीज़ के लिए आप जा सकते हैं। अगली चीज़, न्यायिक समीक्षा का महत्व। महत्व बताने के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी आपको मेंस में ज़्यादा काम आएंगी, बाकी जो मैंने फैक्चुअल डेटा बताया वो प्रीलिम्स में ज़्यादा काम आएगा। इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो इंपॉर्टेंस हमने देखा है कि वो मूलभूत विशेषता है, ठीक है, उसे वो असंशोधनीय है, पर इसका इंपॉर्टेंस इंडिया में मतलब ये कितना प्रासंगिक है, क्या इसका महत्व है, इसमें देखें। संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लीजिए न्यायिक समीक्षा नहीं होती और कोई आदेश, कोई कानून या कोई संशोधन ऐसा हो जाता जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो फिर ऐसे में आपके मूल अधिकारों का जो न्यायोचित होने वाला प्रावधान है वो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आप सभी जानते हैं ना कि मौलिक अधिकार जो हैं वो न्यायोचित होते हैं, वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं और हमें गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि वो हमें मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून बन जाता है जो हमें से हमारे मौलिक अधिकार छीन लेता है, तो फिर उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी तो होनी चाहिए ना, तो वो रेमेडी न्यायिक समीक्षा है। कोई कानून बन गया जिससे आपको लग रहा है कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप उस कानून को चैलेंज करिए कोर्ट में कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और उसकी न्यायिक समीक्षा करेगी कोर्ट, और अगर उसे लगेगा कि वाकई ऐसा है तो उसे रद्द कर देगी। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा बहुत ज़रूरी। ठीक, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखना। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में कोई भी संविधान से ऊपर, न राष्ट्रपति, न न्यायपालिका, न प्रधानमंत्री, कोई भी नहीं।
ठीक है। अब संविधान की सर्वोच्चता है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए न्यायिक समीक्षा नहीं होती और कोई भी कुछ भी आदेश, प्रधानमंत्री अपने कैपेसिटी में कोई भी निर्णय सुना देता, ठीक है, कोई मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट कोई भी बिल पास कर देती सदन में, और उसके लिए उस पर चेक करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए कोई अगर संवैधानिक प्रावधान नहीं होता, तो ऐसे में क्या संविधान की सर्वोच्चता बच पाती? नहीं। फिर तो जो देश का सर्वे सर्वा है या जो पार्टी देश में रूल कर रही है, वो जिस भी तरह के लॉज ला रही है उसे सबको मानना ही पड़ता, कोई नहीं रहता जो उसके ऊपर लगाम लगा सकता। और इसी चीज़ के लिए न्यायिक समीक्षा बहुत ज़रूरी है। न्यायिक समीक्षा है तो एक आम इंसान भी किसी प्रधानमंत्री के निर्णय की बात हो चाहे संसद के निर्णय की बात हो, और सभी निर्णयों को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, और कोर्ट अगर बोलती है कि वो गलत है तो उसे रद्द करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान की सर्वोच्चता को बचाने के लिए न्यायिक समीक्षा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। फेडरल जो भी है, अगर मान लीजिए केंद्र में संसद में कोई कानून बन जाता है और राज्य स्तर में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप न्यायिक समीक्षा करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य स्तर पे जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, अगर उनमें कहीं हस्तक्षेप होता है, उनका हनन होता है कोई कानून या अधिकार आदेश के द्वारा, तो न्यायिक समीक्षा के जरिए आप उसे भी बदल सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने जो शब्द कहा लोकतंत्र की प्रोटेक्शन के लिए, उसको भी आप शामिल कर लें। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र के महत्व को बनाए रखने के लिए, मौलिक अधिकारों को बचाए रखने के लिए, संघ संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा का कंसेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। आई होप आपको इस चीज समझ में आ रही हो। तो ये देखा आपने वर्गीकरण, ये देखा आपने महत्व। आगे बढ़ते हैं, ठीक। न्यायिक समीक्षा के विषय क्षेत्र, मतलब किस किस तरह से समीक्षा की जा सकती है, कब की जाती है, न्यायिक समीक्षा कोर्ट कब करता है। पहला, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। कहीं ना कहीं आपने जो वर्गीकरण देखा ना, या आपने महत्व देखा, ये वहीं से सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, बस आपके प्रेजेंटेशन अलग होता है। यहाँ पर न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तब कोर्ट न्यायिक समीक्षा करती है। दूसरा, अधिकार क्षेत्र से बाहर का नियम हो। अब इसका मतलब क्या हो, मतलब मान लीजिए मैं कोई सरकारी अधिकारी हूँ, कोई प्राधिकारी हूँ, और मेरा एक दायरा है कि मैं इस तरह के आदेश पारित कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के कोई निर्णय ले लिया या कोई आदेश पारित कर दिया, तो ऐसे में उस निर्णय के ऊपर आप न्यायिक समीक्षा करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी सरकारी इकाई अगर अपने सीमा क्षेत्र से या क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर निर्णय लेती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। ये एक विषय क्षेत्र हो गया, मौलिक अधिकार एक विषय क्षेत्र हो गया। तीसरा, संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो। ये तो सिंपल सी चीज़, सबसे पहले यही आना चाहिए कि कोई भी आदेश, कोई भी अगर मान लीजिए कानून है वो संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो, तब न्याय समीक्षा। यानी ये कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि कोर्ट न्यायिक समीक्षा कब करेगी, जब कोई कानून संविधान के अनुकूल ना हो। दूसरा, जब कोई कानून किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो। या तीसरा, जब कोई प्राधिकारी अपने दायरे से बाहर जाकर फैसला ले रहा हो, तब कोर्ट न्यायिक समीक्षा करेगी, ठीक है। तो ये आ गए इसके विषय क्षेत्र। इसके बाद अगले कुछ प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेदों के माध्यम से, जो कि न्यायिक समीक्षा को संविधान में बताते हैं। मैंने पहले कहा जो न्यायिक समीक्षा का शब्द, इसका इस्तेमाल कहीं पर भी संविधान में नहीं हुआ है, पर कुछ ऐसे अनुच्छेद ज़रूर हैं जिससे लगता है कि भारत में संविधान ने इस न्यायिक समीक्षा वाली कॉन्सेप्ट को रखा है। जैसे मैंने कुछ लिखे हैं, इसके अलावा 5-7 और ऐसे आर्टिकल्स हैं, बट ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 13, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं एक कोई ऐसा आर्टिकल बोलूं जिसे सीधा सीधा समझ में आता है कि भारत में न्यायिक समीक्षा है, तो अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाला एक अनुच्छेद है, जो कहता है कि यदि कोई भी कानून ऐसा बन जाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 13 का स्टेटमेंट है कि यदि कोई भी कानून ऐसा बनता है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उस कानून को रद्द किया जा सकता है। तो अभी अभी हमने देखा कि न्यायिक समीक्षा के जरिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने का प्रावधान है, वो इसी अनुच्छेद में है। मतलब आप न्यायिक समीक्षा करवाओगे इस कानून की, तभी तो वो रद्द होगा। तो इससे समझ में आता है ना कि भारत में न्यायिक समीक्षा है, ठीक है। तो 13 है। अनुच्छेद 32 रिट संबंधी अधिकार है, ठीक है। ऐसे ही 226 और 32 दोनों आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 26 में हाई कोर्ट
को रिट आदेश जारी करने का अधिकार होता है, और उसके तहत ये भी बताया गया है कि भाई अगर कुछ भी गलत होता है, आप कोई भी आदेश आया, आपने उसके खिलाफ रिट लगाई, अब वो जब रिट आदेश जारी कर रहा है, मान लीजिए आपने किसी के खिलाफ कंप्लेन की कि उस पद पर वो गलत तरीके से बैठा हुआ है, ठीक है, या उसने जो आदेश दिया वो गलत दिया, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करता है, तो वो जो कर रहा है स्पेसिफिकली आप उसको रिट आदेश बोलोगे, पर एक तरीके का समीक्षा ही तो हुई, कुछ गलत हुआ तो उसने चेक किया संवैधानिक तरीके से हुआ है कि नहीं, चेक किया, उसके बाद एक आदेश जारी किया। तो रिट आदेश का जारी करना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा भी एक तरह के न्यायिक समीक्षा का स्वरूप है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 131, 132, 135, अभी अभी जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है, 132 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट, 132, 133, 134 सब में इसका अपीलीय अधिकार है, और 135 में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की पूर्व जो भी कानून वगैरह थे उसका इस्तेमाल, जो कोर्ट, जो फेडरल कोर्ट किया करता था उसका इस्तेमाल करने की भी इजाज़त दी गई। तो कहीं ना कहीं ये 131, 132, 133, 126 ये सारे कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिससे समझ में आता है कि न्यायिक समीक्षा भारत में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसमें 134 भी आएगा, 132 भी आएगा, 136 भी आएगा, ऐसे बहुत सारे हैं। आपको मेनली 13 याद रखना, 32 याद रखना, 226 याद रखना, उसके अलावा आप बुक्स में से और कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देख सकते हो, बट अगर ऑब्जेक्टिव पर्पस से देखें तो ये तीन भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। दैट इज इट, ये है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा की परिभाषा आपने देखी, उसका उत्पत्ति देखी, उसका महत्व देखा, वर्गीकरण, विषय क्षेत्र और इसका संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। इससे बाहर चीज़ें नहीं बनती, इतना भी आप समझ लें इस कॉन्सेप्ट को तो काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं हम, एक और चीज़ जो न्यायपालिका से संबंधित काफ़ी ट्रेंड में है वो है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। जबकि जो न्यायिक समीक्षा आपने पढ़ा था वो था जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता क्या है इसे समझते हैं हम, और इसी से जुड़ा एक पहलू है जनहित याचिका, हम इससे उसे कनेक्ट कर पढ़ेंगे। तो पहले तो इसमें देख लेते हैं इसके बारे में कि इसका इसकी परिभाषा क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक। पहली बात इसकी उत्पत्ति देख लीजिए, फिर इसके अर्थ पर आएंगे। इसकी भी उत्पत्ति अमेरिका से हुई है, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म दोनों ही ओरिजिनेटेड हैं अमरीकी न्यायिक प्रक्रियाओं से, और ये न्यायिक सक्रियता शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल सन 1970 में आर्थर शेल सिंगर ने किया था, ठीक है, आर्थर शेल सिंगर ने किया था, और इंडिया में ये 1970 में आया ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं, और बहुत आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो 1979 के पहले तक बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं थी, पर 1970 से कहीं ना कहीं ये सक्रियता शुरू हो गई थी, और एकदम प्रैक्टिकल तरीके से देखोगे तो 1979 में, ठीक है। तो 1947 में आर्थर शेलसिंगर ने, जो कि एक अमरीकी बहुत प्रसिद्ध इंटेलेक्ट थे, उन्होंने ये न्यायिक सक्रियता यानी ओरिजिनली जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द को कॉइन किया था, और इंडिया में 1970 वाला जो दशक है ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया। इसका मतलब क्या हो गया, पहली सीधी साफ बात, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो न्यायिक सक्रियता को बताता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता या इसके बाद जनहित याचिका को अगर आप संविधान से ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आर्टिकल 39A जो है एक नीति निषेधक तत्व है, जो ये कहता है कि भाई संविधान इंश्योर करेगा कि सभी के साथ सामाजिक न्याय हो, तो उसी के तहत ये कॉन्सेप्ट इंडिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, पर इनसे रिलेटेड कुछ भी संवैधानिक अनुच्छेद नहीं है, ठीक। पर ये चीज़ें मना भी नहीं है, गैर संवैधानिक भी नहीं है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो ओरिजिन आपने देखा, अब इन्हें भारत में सक्रिय करने वाले जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, पी एन भगवती, ओ सी रेड्डी और डी ए देसाई, ये चार लोगों का मेनली नाम आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस नाम है जस्टिस पी एन भगवती और वी आर कृष्ण अय्यर, वो कैसे हैं वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इन लोगों की वजह से न्यायिक सक्रियता भारत में ज़्यादा फेमस हुई या स्टार्ट हुई। अब इसको समझते हैं, ठीक है, कि ये प्रोसेस है क्या, अर्थ क्या है, पहले जो लिखा है उसे पढ़ते हैं। न्यायपालिका का सक्रिय होकर विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना ही न्यायिक सक्रियता कहलाता है, इसे न्यायिक संयम के विपरीत कहा जाता है, न्याय गतिशीलता भी इसे कहा जाता है, और जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। ये चार चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझिए। न्यायिक सक्रियता का मतलब ये हुआ कि जब न्यायपालिका
सक्रिय होकर अपनी भूमिका निभाने लगती है और विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें कानून अंधा नहीं काना दिख रहा है, मतलब एक आग उसी खुल गई है। इससे रिलेट करने की कोशिश करो। आप सभी जानते हैं कि भारत में संवैधानिक रूप से न्यायपालिका न्यायाधीशों के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो सीमित रखे गए हैं, ठीक है, सिर्फ सबूतों और गवाहों के ऊपर वो काम करते हैं। जुडिशरी इज कंसिडर्ड एज रिएक्टिव नॉट एक्टिव। इस एक लाइन को समझिए, जो न्यायपालिका होती है वो प्रतिक्रिया करती है लेकिन वो सक्रिय नहीं, यानी वो क्रिया नहीं करती, वो प्रतिक्रिया करती है। आप जब कंप्लेन करोगे, आप जब याचिका लगाओगे, ठीक है, जब कोई केस दायर करोगे तब वो रिएक्ट करके अपना फैसला या आदेश देगी। तो प्रतिक्रियात्मक है न्यायपालिका, ना कि सक्रिय या क्रियात्मक। शुरुआत से संवैधानिक रूप से उसे ऐसे ही रखा गया है, इसकी गरिमा को मेंटेन करने के लिए इसके अधिकार क्षेत्र को सीमित रखा गया है, ठीक। तो हमेशा से यही हुआ कि अब आप कोई चीज़ लेकर जाके कानून का दरवाज़ा खटखटाओगे, ऐसा ऐसा है, हमारी याचिका सुनिए, तब वो काम करेगी, ठीक है, ऐसा होता है। पर न्यायिक सक्रियता में ऐसा होता है कि न्यायपालिका प्रतिक्रियात्मक रोल से उभर कर क्रियात्मक रोल में आ गई, आगे बढ़कर समाज में व्याप्त जो गलत हो रहा है उन चीज़ों में आकर उसका संज्ञान लेने लगी और उसके लिए हस्तक्षेप करके अपने विचार भी प्रकट करने लगी। न्यायपालिका की इसी सक्रिय भूमिका को, जिसमें वो समाज में खुद से पार्टिसिपेट करके कुछ न्यायिक फैसले सुना रही है या सलाहें दे रही है या एडवाइस दे रही है या फटकार लगा रही है, इसी क्रिया सक्रिय रोल को हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में शक्तियों के पृथकीकरण की अवधारणा के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका जो हैं उसमें उसके कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन अगर ये हस्तक्षेप करने लगे तो इसी को हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि अगर कोई योजना सरकार लागू करती है और वो सही तरीके से लागू नहीं होती है तो आपने न्यूज़पेपर मीडिया में देखा होगा कि किसी न्यायाधीश की तरफ से बयान आता है कि भाई यहाँ यहाँ पे योजना गलत तरीके से लागू हुई है, मनरेगा में सही तरीके से वहाँ पर वेजेस नहीं है, तो सरकार उसके ऊपर संज्ञान ले। न्यायपालिका का कोई सिटिंग जज बोल रहा है कि वो योजना गलत तरीके से लागू हुई है, ठीक है, उस योजना का क्रियान्वयन सही नहीं है, उसका ढांचा सही नहीं है, ठीक है, उसका टारगेट ग्रुप सही नहीं है, यानी कुछ ना कुछ क्या कर रही है न्यायपालिका, इंटरफेयर कर रही है कार्यकारी निर्णयों पर। तो ये जो इंटरफियरेंस है ना, इसी को हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अब संविधान ने तो कैसे अधिकार देकर नहीं रखे कि अगर कोई निर्णय हुआ तो आप अपने से उसके ऊपर कुछ बोलो। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है कि अगर कुछ निर्णय हुआ है कहीं पर गलत है तो कोई आपका दरवाज़ा खटखटाएगा तो आप फिर कुछ कर सकोगे, लेकिन अगर कानून को दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो अपने से कुछ नहीं कर सकता था पर अब करने लगा है, इसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत घट रहा है विधायी क्षेत्र में या कार्यकारी क्षेत्र में, तो न्यायपालिका के जितने सदस्य होते हैं वो आगे बढ़कर भूमिका निभाते हैं और सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, फटकार लगाते हैं। अब अगर वो अपनी पोजीशन पर बैठ कर ये चीज़ बोल रहे हैं तो भले ही वो अनौपचारिक रूप से बयान दे रहे हैं पर उनकी पोजीशन की वजह से वो बयान काफ़ी महत्व रखते हैं। अगर किसी न्यायपालिका के सदस्य ने बोला कि भाई वहाँ पे ये योजना गलत तरीके से हो रही है, उससे संबंधित मंत्री इसका संज्ञान लें, अगर कोई आम इंसान बोलता है इस चीज़ को तो शायद वो मंत्री के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, पर अगर एक न्यायाधीश बोल रहा है तो इसका असर पड़ेगा और शायद वो काम जो गलत हो रहा है वो सुधर जाएगा। तो यहाँ पर सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए, न्यायिक जो न्याय जो आपका सामाजिक न्याय है उसको सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका जब अपने पर्सनल विचार रखने लगी है कार्यपालिका और विधायिका के सामने, तो इसी को आप न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायपालिका में न्यायिक विचार की जगह जब न्यायपालिका के सदस्य अपने व्यक्तिगत विचार रखने लगें समाज की भलाई के लिए,
तो उसे आप कहते हैं न्यायिक सक्रियता। मैंने बहुत सारे शब्दों में कहा है, लेकिन अल्टीमेटली मैं अगर आपको लिखने की बात कहूँ तो इसी चीज़ में आप आ सकते हैं। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है जब न्यायपालिका समाज में न्याय को सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़कर भूमिका निभाए, अपने प्रतिक्रियात्मक रोल से उभर कर सक्रिय रोल में आ जाए और कार्यपालिका और विधायिका के कामों में हस्तक्षेप करके सामाजिक न्याय को स्थापित करने की कोशिश करे। इसी को आप कहते हैं न्यायिक सक्रियता। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं संवैधानिक रूप से नहीं है, ये धीरे धीरे इंडिया में अडॉप्टेड है क्योंकि कहीं मना भी नहीं है। ठीक है, तो ये न्यायिक संयम के विपरीत है। अभी मैंने कहा ना कि नॉर्मली न्यायपालिका के ऊपर एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट रहता है। इंडिया में ऐसा रहता है कि एक अगर मैं एक न्यायिक अधिकारी हूँ, जज हूँ, तो मेरे कुछ दायरे हैं, रिस्ट्रेंड हूँ मैं कि मैं इससे बाहर कुछ नहीं बोलूँगी। मेरे को लग रहा है कि सामने कुछ हो रहा है तभी नहीं बोलूँगी क्योंकि कानून ने मेरे हाथ बांध कर रखे हुए हैं। तो इसके जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है जिसमें रिस्ट्रेन ना करके वो लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक संयम के जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, न्यायिक गतिशीलता भी कहा जाता है इसे, न्यायपालिका को गतिशील बनाने वाला एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है, इसलिए न्यायिक गतिशीलता भी न्यायिक सक्रियता का दूसरा नाम। और जनहित याचिका या न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। वैसे तो ये 1970 के दशक से इस तरह से शुरुआत हो गई थी कि कहीं पेपर में कुछ आ रहा है, मैगजीन में कुछ आ रहा है, किसी जज ने कुछ बयान दिया, कहीं किसी चीज़ को नोटिस किया, कहीं किसी चीज़ पर अपनी टिप्पणी की। ये न्यायिक सक्रियता का रूप भारत में 1970 के दशक से देखने को आ रहा है। लेकिन 1979 में पहली बार जब जनहित याचिका जैसा कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया तो न्यायिक सक्रियता को कहीं ना कहीं विधायी हथियार मिल गया। जी हाँ, जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का ही एक तरह का अप्लाइड फॉर्म है। न्यायिक सक्रियता के बाद ही जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट आया है और अगर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन न्यायिक सक्रियता का देखते हैं तो वही होती है जनहित याचिका। ठीक है, क्योंकि जनहित याचिका में अगर कोई इंसान जो अग्रीव्ड है, जिसको कोई दिक्कत है, वो अगर कानून के पास नहीं पहुंच पा रहा है तो और कई तरीकों से कानून उस तक पहुंच जाएगा ताकि उसे न्याय मिल सके। तो जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यायिक सक्रियता का ही उत्पाद है, उसी का परिणाम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका कॉन्सेप्ट ही समझना, इसे एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सही है कि गलत है न्यायिक सक्रियता जो हो रही है, तो देखिए इसके अपनी एक प्रोज एंड कॉन्स है। अच्छी बात यह है कि न्यायपालिका को जो संविधान की रखवाली करने का दायित्व दिया गया है उसको निभाने के लिए एक बहुत अच्छा और नोवेल कॉन्सेप्ट है। बुरी बात यह है कि न्यायपालिका को जो हस्तक्षेप करने से मना किया गया संवैधानिक रूप से, उसमें कहीं ना कहीं दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप करता दिखाई देता है, तो ये ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। पर इस पे ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं ना कि नेगेटिव, क्योंकि अगर सही तरीके से अपनी शक्तियों का ये सक्रिय रूप से इस्तेमाल करती है न्यायपालिका तो न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है इंडीड। ठीक है, तो अच्छाई बुराई आप अपने ओपिनियंस इसमें डाल सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट ये। अब यहाँ से जुड़ा है आपका अगला कॉन्सेप्ट जनहित याचिका। ठीक है, तो अब उसे समझते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो जनहित याचिका होती है वो न्यायिक सक्रियता का उत्पाद है, और वो कैसा होता है मैंने आपको अभी न्यायिक सक्रियता में बता दिया। तो जनहित याचिका अब एक ऐसा टॉपिक हम समझते हैं कि एक्चुअली है क्या। इसके इंग्लिश में हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL नॉर्मल शब्दों में कहा जाता है, तो मैं PIL शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर करूँगी। ठीक, भारत में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का उत्पाद है, जैसे कि अभी हमने देखा। इसके प्रवर्तक V.R. कृष्ण अय्यर एवं P.N. भगवती हैं। आपने देखा था कि जब हम न्यायिक सक्रियता पढ़ रहे थे तब वहाँ पर भी मैंने उसके प्रवर्तकों में जो चार नाम बताए थे उनमें से दो नाम यही थे। तो दरअसल जनहित याचिका के अस्तित्व में आने में सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका इन्होंने ही निभाई थी, यही पहले थे जिन्होंने PIL पर फैसला दिया था। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा है कि V.R. कृष्ण अय्यर एवं P.N. भगवती इसके प्रवर्तक थे, तो ऐसा है कि PIL का कॉन्सेप्ट भारत में आया कैसे इसे समझें। अगेन मैं इसको बता देती हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जिक्र कहीं पर भी संविधान में नहीं है, ये कोई संविधानिक प्रावधान नहीं है। न्यायिक सक्रियता के कॉन्सेप्ट के अस्तित्व में आने के बाद PIL का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल हथियार के रूप में। अब ये दोनों ही चीज़ में इन दोनों के नाम आ रहे हैं, तो उस किस्से को भी सुन लीजिए जिससे ये दोनों कॉन्सेप्ट इंडिया में आए। 1979 में
सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ था और केस फाइल किया था कपिला हिंगोरानी ने। कपिला हिंगोरानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया था, बिहार जेल में जो कैदी हैं उनकी कंडीशंस से रिलेटेड एक केस था। अब जब ये केस फाइल किया गया तो उस टाइम तक ऐसा था कि लोकस स्टैंडाई वाला कॉन्सेप्ट था। लोकस स्टैंडाई का मतलब समझते हैं आप, स्टैंडिंग, एक लैटिन वर्ड होता है लोकस स्टैंडिंग जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग। मतलब ये कि भारत में हमेशा से ऐसा था कि अगर आप को कानून का दरवाज़ा खटखटाना है तो आप जिस वजह से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं आप उस वजह से लिंक्ड हों। कहने का मतलब आप अगर अग्रीव्ड हैं, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप या आपके रिश्तेदार या कोई पहचान वाले के साथ बुरा हुआ है, आप तभी जाकर कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। यानी उस न्याय का जो फ़र्क होगा, जो प्रभाव होगा, वो आप पर पड़ना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, या फिर जिस वजह से आप कानून के पास जा रहे हैं उस वजह में आपसे सीधा सीधा उस वजह का लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने लिए या अपने किसी रिश्तेदार के लिए जब कानून के पास जाते हैं तो उसे हम लोकस स्टैंडाई कहते हैं। और हमेशा से यही हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत है तो मैं जाऊंगी, जो भी फैसला होगा उस पर अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं उससे रिलेटेड होंगी, कोई और इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इफ आई एम द विक्टिम आई ओनली हैव टू लाइक फाइल द पिटीशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लोकस स्टैंडाई का था कि अगर मैं विक्टिम हूँ तो मैं ही पिटीशन फाइल करूँगी, कोई और मेरी तरफ से नहीं कर सकता। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था तब तक के लागू था। तो इस समय हुआ ऐसा कि पहली बार 1979 में कपिला हिंगोरानी ने केस फाइल किया बिहार जेल में जो वर्कर्स थे उनके खिलाफ, उनकी कंडीशन से रिलेटेड बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ। अब क्योंकि उससे लिंक नहीं थी तो इसलिए उन्होंने वो जो बिहार जेल में कैदी थे उनमें से कैदी थी हुसैनरा खातून, तो हुसैनरा खातून वर्सेस बिहार स्टेट, हुसैनरा खातून वर्सेस बिहार स्टेट नाम से एक केस फाइल किया गया 1979 में कपिला हिंगोरानी द्वारा, जिस पर फिर उस समय के तात्कालिक जो कोर्ट के जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो थे जस्टिस पी एन भगवती और वी आर कृष्ण अय्यर, इन लोगों ने फैसला सुनाया था। उस फैसले मतलब कहने के मतलब उस केस को एक्सेप्ट किया था पहली बार, तो दिस वाज अनकन्वेंशनल, गैर परंपरागत था। इस तरह का कोई केस, इस तरीके से कोई केस एक्सेप्ट नहीं किया गया था पहले कि किसी और की वजह से कोई और केस डाल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा था कि ऐसा हुआ और इन लोगों ने ये केस को एक्सेप्ट किया और उसके बाद इस फैसला सुनाया जिसमें बिहार जेल के जो कैदी हैं उनकी कंडीशन से रिलेटेड, उनको सुधारने से रिलेटेड कुछ ऑर्डर जारी किए गए थे बिहार स्टेट के लिए। तो यहाँ से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये इस तरह की याचिका जिसमें अग्रीव्ड पर्सन जो विक्टिम है वो खुद याचिका नहीं दायर कर रहा है, किसी की बिहाफ पर कोई और याचिका दायर कर रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट पहली बार जो एक्सेप्ट हुआ था वो इन्हीं के द्वारा एक्सेप्ट हुआ था और इन्होंने फिर ये कॉन्सेप्ट दिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऐसी याचिका, अब यहाँ से अर्थ समझते हैं हम। ठीक है, अन्य नाम तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम अर्थ समझते हैं। तो कुल मिलाकर कि ये एक ऐसी याचिका हो गई जिसमें व्यक्तिगत हित की जगह जनहित में याचिका लगाई जा रही है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है और मैं जा रही हूँ तो मैं व्यक्तिगत हित की वजह से याचिका लगा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं, किसी और को प्रॉब्लम है उसके बिहाफ पर मैं लगा रही हूँ, तो मैं जनहित में वो याचिका लगाई जा रही हूँ। तो ऐसी सभी याचिकाएँ जनहित में या जनहित की भावना से लगाई जाती है उसे आप जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, ये लोकस स्टैंडाई वाली चीज के अलग हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऑपोजिट है। ठीक है, जिसमें विक्टिम को खुद ही याचिका लगानी पड़ती थी, तो व्यक्तिगत हित की जगह जनहित में लगाई गई याचिका। इसे कई और दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सामाजिक क्रिया याचिका या SAL, सामाजिक हित याचिका या SIL, वर्गीय क्रिया याचिका या CAL। ये जो अब्रीविएशन है इसके इंग्लिश नाम के हिसाब से आप इसके हिंदी नाम याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट लिटिगेशन, ठीक है, तो इसको SAL कहा जाता है। ठीक है, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसको CIL कहा जाता है, या इसे क्लास एक्टिव लिटिगेशन, तो इसे CAL कहा जाता है। तो इस हिसाब से इसकी इंग्लिश अब्रिविएशन है जनहित याचिकाएं, बस इसकी अलग अलग नाम है। ठीक है,
तो अब आपको ये समझ में आया कि व्यक्तिगत हित की जगह जनहित में लगाई गई याचिका को आप जनहित याचिका बोलते हैं। इसमें जो विक्टिम है उसके अलावा कोई दूसरा उसके बिहाफ पर याचिका लगा सकता है, जैसे कि उस केस में हुआ जिस केस का जिक्र अभी मैंने किया। और उसके बाद से फिर आज तक कई सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं जिसमें जनहित याचिका लगाई गई है। ठीक, कोई व्यक्ति या सामाजिक संगठन द्वारा लगाई जा सकती है, ये दूसरा पॉइंट है जो आपको इसके अर्थ में नोट डाउन करना है कि ये याचिका कौन लगा सकता है। कोई भी इंसान लगा सकता है या कोई सोशल ग्रुप, जो रिकग्नाइज सोशल ग्रुप है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या सामाजिक संगठन है, वो भी लगा सकता है। भारत में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं तब से लेकर आज तक जो जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हुए हैं। जैसे 4-5 केसेस इसमें आते हैं, खासतौर पर अगर मैं एक दो का मेंशन करूं तो एक केस है विशाखा वर्सेस राजस्थान केस, जिसमें चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, एक साल की बच्ची की चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए भवरी देवी नामक एक तीन जिन्होंने पीआईएल दायर करवाया था, नैना कपूर ने उनके बिहाफ पर पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन था जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, जिसमें एक पीआईएल के बाद उन्होंने सुनवाई की थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो विशाखा वर्सेज स्थानीय केस है। उसके अलावा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एक केस था। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक ऐसा केस था जिसमें पीआईएल दायर की गई थी और कोर्ट ने सभी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया था जब तक कि वो पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स ना ले, गंगा बेसिन में जो भी पोल्यूशन हो रहा था उसके लिए कोई मेजर्स ना ले तब तक इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया था। तो ऐसे 4-5 बहुत ही लैंडमार्क, हुसैनार खातून वर्सेस बिहार गवर्नमेंट का भी जो मैंने केस बताया वो भी एक लैंडमार्क, ऐसे 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजंस हुए पीआईएल के, जिससे ये जो न्यायिक सक्रियता है वो और ज़्यादा सक्रिय नज़र आने लगी भारत में। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ केसेस का जिक्र कर सकते हैं, आप उनकी थ्योरीज पढ़ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। ठीक, इसके अलावा अब ये बात आती है कि ऐसा किया किस आधार पर जा सकता है, जो विक्टिम है उसकी जगह पर कोई और याचिका लगा रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। उसकी वजह ये हो सकती है कि जो विक्टिम है या तो वो निर्धन है या वो अनअवेयर है, उसे उस कानूनी प्रक्रियाओं का कोई ज्ञान नहीं है, या वो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड है, यानी उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है या सोशल कंडीशन है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, वो अनुकूल नहीं है और वो कानून का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकता। तो जैसे कि मैंने बार बार बताया कि आर्टिकल 39A बोलता है कि संविधान का ये कहना है कि किसी भी तरह से सामाजिक न्याय हर किसी को, हर वर्ग को, हर व्यक्ति को सुनिश्चित कराया जा सके, ऐसा एक नीति निषेधक तत्व है। तो उसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रासंगिक है आज के दौर में। ठीक है, मतलब अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर कोई कानूनी प्रक्रियाओं से या तरीकों से अवेयर नहीं है, या उसकी सामाजिक दशा ठीक नहीं है और वो खुद जाकर कानून के पास अपनी बात नहीं रख पा रहा है, तो उसके बिहाफ पर हम जनहित याचिका लगा सकते हैं। याद रखिएगा, वैसे तो कोई, मैंने कहा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, फिर अगेन 32, 226 जो आपने न्यायिक समीक्षा में देखा था, आर्टिकल 32 और 226 कहीं ना कहीं उसका सहारा लेकर पीआईएल लगाई जा सकती है। याद रखिएगा, पीआईएल में अगर आप संवैधानिक तरीके से देखेंगे तो तीन तरीके से पीआईएल लगती है, या तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। ये नहीं बोल रहा कि इन आर्टिकल्स में लिखा गया कि पीआईएल लगाई जा सकती है, तो रिट से संबंधित आर्टिकल है ना, पर आप पीआईएल, जैसे मैं किसी के बिहाफ पर लगा रही हूँ तो आर्टिकल 32 के तहत लगा सकती हूँ, 226 के तहत लगा सकती हूँ, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 133 के तहत। तो नॉर्मली आर्टिकल 32, 226 और सीआरपीसी के आर्टिकल सेक्शन 133 के तहत पीआईएल दायर की जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि इस इन कैटेगरीज में पीआईएल दायर की जाती है। दायर करने वाले ज़्यादातर अगर आप आजकल देखें तो जितने भी एनजीओज एनपीओज होते हैं वो सारे पीआईएल दायर करते, किसी ना किसी सोशल एविल्स के खिलाफ ये अक्सर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिर मैं इसमें नाम नहीं लूँगी कि किस किस तरह के ग्रुप, हर तरह की जो भी सोशल एविल्स से फाइट करने के लिए या समाज में न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो भी ग्रुप्स बने वो अक्सर इस तरह के पीआईएल्स दायर करते हैं। अगली चीज़ जो आपको जाननी है उसमें ये कि पीआईएल दायर कैसे किया जा सकता है, कौन कौन करता है। तो मैंने कहा एक व्यक्ति कर सकता है, एक समूह कर सकता है, और तीसरा तरीका ये है कि खुद से कोर्ट कॉग्निशन भी ले सकता है, संज्ञान भी ले सकता है। तरीका ये होता है कि पहले तो मैं सीधा कोर्ट में याचिका दायर करूँ, पहला तरीका है। आई एम ट्राइंग टू टेल द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग अ पीआईएल। पहला तरीका ये कि मैं खुद किसी कोर्ट में पीआईएल दायर करूँ।
इसके लिए जाहिर सी बात है मुझे कानूनी सलाह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वकील के जरिए PIL दायर करूंगी। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हो गया लेटर लिखकर, ठीक है। अगर आप वहाँ मौजूद नहीं हो सकते, आप कोई वकील हायर नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर ड्राफ्ट करके उन्हें पोस्ट करके भी PIL दायर कर सकते, तो लेटर के द्वारा भी। और तीसरा तरीका ये है कि कोर्ट खुद से संज्ञान ले सकता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा सक्रियता का ये प्रमाण आपको इसमें मिलता है PIL में, कि अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिखा है और ये लिखा गया कि भाई यहाँ पर ये चीज़ गलत हुई, और कोर्ट के किसी इकाई ने या किसी मेंबर ने उसे देखा कि भी हाँ ऐसा गलत हुआ है, तो उस आर्टिकल के बिना पर भी PIL दायर कर सकता खुद कोर्ट। तो यहाँ पे देखा ना, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, जिसमें खुद से संज्ञान ले रहा है किसी आर्टिकल, किसी रिपोर्ट, किसी मैगजीन को पढ़ करके, कोर्ट खुद से PIL भी दायर कर सकता है। तो लेटर के जरिए कोई करवा सकता है, वकील के जरिए भी ड्राफ्ट करवा सकता है, ठीक है, लेटर लिख करके आप सामने ने आप लेटर लिख करके किसी वकील के जरिए, और तीसरा खुद कोर्ट संज्ञान लेकर के PIL दायर कर सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताए तरीके किस तरह से PIL दायर होता है, कौन कौन PIL दायर कर सकता है, ठीक है, किस वजह से PIL दायर की जाती है, किन लोगों की बिहाफ पर PIL दायर की जाती है, और उसके कुछ कानूनी प्रावधान 133 CRPC के तहत, 32 और 226 आपके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। पर ये ना तो न्यायिक सक्रियता, ना ही PIL, ये कोई भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपके संविधान में मेंशन नहीं है, ठीक। 39A को सुनिश्चित करने के लिए ये सारी चीज़ें एक न्यू, आप कह सकते हैं न्यू नॉर्मल की तरह पूरे इंडिया में फॉलो की जा रही है, ठीक है। सो दैट इज़ इट विथ जुडिशियल रिव्यू। ने न्यायिक समीक्षा हमने पढ़ लिया, न्यायिक सक्रियता पढ़ लिया, PIL पढ़ लिया। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब इसके बाद, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम न्यायपालिका के टॉपिक में ही महान्यायवादी महाधिवक्ता को पढ़ेंगे अलग से, तो उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं महान्यायवादी। सो महान्यायवादी वादी का जो उल्लेख है, मैंने आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी किया था, जिसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तब मैंने आपको बताया था कि ये एक केंद्रीय कार्यपालिका का अधिकारी होता है। तो मैं यहाँ फिर से दोहरा कर साफ करना चाहती हूँ बात को, कि महान्यायवादी न्यायपालिका का अंग नहीं है, वो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का अंग है, पर इसका काम जो है वो न्याय से संबंधित है, इसलिए हम इसमें इसको पढ़ रहे हैं। महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है, ठीक, जिसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, ठीक। ये कार्यपालिका का एक अधिकारी है, जिसको अगर मैं एक लाइन में परिभाषित करूं तो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। कार्यपालिका अधिकारियों में सर्वोच्च एक ऐसा अधिकारी जो भारत में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी है, यानी लॉ से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने वाला, कानून से संबंधित कार्यकारी निर्णय लेने वाला, ठीक है, इस चीज़ को समझना, न्यायिक डिसीजन नहीं, कानून से संबंधित न्यायिक, न्यायपालिका से संबंधित कार्यकारी निर्णय वाला, कार्यकारी निर्णय लेने वाला सबसे ऊंचा जो अधिकारी है वो है महान्यायवादी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, जिसकी योग्यताओं में सर्वोच्च न्यायालय की या न्यायाधीश के बराबर की योग्यताएं, यानी अगर कोई महान्यायवादी के लिए चुना जा रहा है तो उसमें वो सभी योग्यताएं होंगी जो कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए मेंशन किए। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भारत का नागरिक होना, 5 साल के जज का एक्सपीरियंस होना या 10 साल के वकालत का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो इनमें से जो भी आपने जो भी चीज़ें न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए पढ़ी थी, वो सभी योग्यताएं इसके लिए भी मैंडेटरी, यानी इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये व्यक्ति का जो बैकग्राउंड होगा वो न्यायिक ही होगा, ये कोई जज या वकील ही रहा होगा अपने करियर में, लेकिन अब ये जो नियुक्त होगा ये कार्यकारी अधिकारी के तौर पर होगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड इसका न्यायिक है, अधिकारी ये कार्यकारी, ठीक है। तो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यता है वो इसी के लिए भी मेंशन है। इसका कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसका मतलब ये है कि संविधान ने कोई निश्चित कार्यकाल इसके लिए निर्धारित नहीं किया, ना ही इसकी कोई सेवानिवृत्ति आयु है, ना ही कुछ, इसे कार्यकाल की सुरक्षा भी नहीं दी गई। याद रखिएगा, इसे कार्यकाल की सुरक्षा नहीं मिली, यानी इसे हटाए जाने की प्रक्रिया कोई जटिल नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे इसे अपने कार्य से, यानी पद से हटा सकता है। वैसे अगर वो नहीं हटाता है तो नॉर्मली 5 साल
नॉर्मली देखें तो 5 ईयर्स रहता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा दे बिना कोई संसद की या कोर्ट की सलाह के। ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब जो निकल कर आता है, इसे कार्यकाल की सुरक्षा नहीं मिली हुई है और संविधान ने कोई निश्चित कार्यकाल इसका निर्धारित नहीं किया। ठीक है, और इसका पूरा, इसका अपॉइंटमेंट से लेकर हटाने का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति के पास है मतलब केंद्र सरकार के पास है। ठीक, तो इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी सरकार बदलती है सबसे पहले महान्यायवादी चेंज किया जाता है। ठीक है, तो अब इस जाहिर सी बात है सरकार बदलेगी तो चाहेगी ना कि जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर वो हमारा हो, तो इस वजह से राष्ट्रपति से कहलवा करके पुराना जो महान्यायवादी उसे हटा करके ये नया महान्यायवादी नियुक्त करवा देते हैं। आपने पूरा आप इतिहास देख लीजिए, जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है महान्यायवादी ज़रूर बदला गया, भले उसको 2 साल हुए हों कार्य में आए हुए या 4 साल हुए। ठीक है, तो राष्ट्रपति केंद्र के कहने पर अक्सर कभी भी उनको हटा सकता है, तो राष्ट्रपति की प्रसाद पर। ठीक है, ये हो गया। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति हटाता है, और ये इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देता है। कार्य एवं शक्तियां, अब इसकी पोजीशन समझिए। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान देख लिया, क्या वजह से इसे भारत में इस पद को रखा गया है। कुल मिलाकर जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार को विधि संबंधी देने वाला एक व्यक्ति है, मतलब भारत सरकार का वकील है। केंद्र सरकार का कोई वकील है अगर बोला गया तो महान्यायवादी है। जब भी उनको विधि संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए रहती है तो वो महान्यायवादी उन्हें देता है। राष्ट्रपति को विधि संबंधी जानकारी चाहिए रहती है तो कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अगर सरकार को चाहिए रहती है तो कौन देता है? जैसे कि आपको आपका वकील विधि जानकारी देता है, वैसे सरकार को महान्यायवादी, तो केंद्र सरकार का वकील है। ठीक है, अब इसमें सारी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको पहले बता देती हूँ चीज़ें। कुल मिलाकर के एक वकील का जो भी काम होता है वो करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें केंद्र सरकार जो है वो एक पक्ष में है, कोई ऐसा विवाद है जिसमें बनाम केंद्र सरकार कोई वाद गया है, तो केंद्र सरकार की तरफ से उस कोर्ट में जो वकील पेश होगा वो महान्यायवादी ही होगा। कोर्ट में जो सुनवाई करेगा वो महान्यायवादी ही होगा। तो कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश होना, सरकार को विधि और न्यायिक सलाह देना, एक कुल मिला के एक वकील का जो काम होता है वही केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी करता है। ठीक है, ये और क्या क्या कार्य करता है? राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कार्यों का निष्पादन करता है। राष्ट्रपति जो भी देगा, मतलब केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के जरिए से केंद्र सरकार जो भी उसे कहेगी। सर्वोच्च न्यायालय में भारत की ओर से प्रस्तुत होना, ये जो मैंने अभी कहा, भारत अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई केस है मान लीजिए, तो भारत सरकार की तरफ से पेश होता है कौन? महान्यायवादी। किसी भी क्षेत्र को किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार, महान्यायवादी के पास ये अधिकार है कि भारत के अंतर्गत जितनी इकाइयाँ यानी जितने कोर्ट्स हैं, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर अधीनस्थ न्यायालय तक, किसी भी कोर्ट में ये पेश हो सकता है बिना किसी परमिशन के। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछता है इस पर से। इकलौता ऐसा अधिकारी है ये जो सांसद ना होते हुए भी अधिकृत होता है संसद की कार्यवाहियों में हिस्सा लेने का। आप सभी जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाहियाँ होती है उसमें चुने गए सांसद या मनोनीत सांसद ही बैठ सकते हैं, लेकिन उनके अलावा अगर कोई यदि व्यक्ति बैठ सकता है तो वो ये है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। लेकिन याद रखिएगा, ये केवल कार्यवाहियों में हिस्सा ले सकता है, सुनवाई रख सकता है, बातों में बहस में हिस्सा ले सकता है, बट ये वोट नहीं डाल सकता। जब भी कोई कानून पारित करना है संसदीय प्रक्रियाओं में, तो जब वोटिंग होती है तो ये अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ही इज़ अ मेंबर, ही कैन सिट बट विदाउट अ राइट टू वोट, राइट टू वोट इसको नहीं मिलता। संसद सदस्य की तरह इन्हें वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, यानी कि जितने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सांसदों को मिले हैं वो इसको भी मिले हैं, लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, सरकार का वकील है वो तो ठीक है, पर ये जो एक्स्ट्रा पावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दैट इज इट, इतनी ही चीज़ है महान्यायवादी के बारे में। कौन नियुक्त करता है, किसे इस्तीफा देता है, हटाया कैसे जा सकता है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, कार्य शक्तियाँ क्या है, अटॉर्नी जनरल के बारे में इतनी चीज़ आपको पढ़नी है। और बिल्कुल ऐसे ही फिर आगे है राज्य स्तर पर महाधिवक्ता। केंद्र स्तर पर जैसे महान्यायवादी होता है वैसे ही राज्य स्तर पर होता है महाधिवक्ता। इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को बोलते हैं और एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता को बोला जाता है। तो जो चीज़ मैंने सेंट्रल लेवल पर महान्यायवादी के बारे में बताई वही स्टेट लेवल पर महाधिवक्ता। अब स्टेट लेवल पर है तो जाहिर है इसका जो उल्लेख होगा पार्ट 6 में होगा, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का जिक्र है।
ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, राज्य स्तर पर नियुक्ति होती तो जैसे केंद्र में उसका राष्ट्रपति करता है, वैसे ही राज्य स्तर पर इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। योग्यताएं अगर उसकी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश जैसी थी तो इसकी योग्यताएं उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जैसी। कार्यकाल अगर उसका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत था तो इसका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी अगर त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता था तो ये राज्यपाल को देता। बिल्कुल सेंट्रल लेवल पर जो काम प्रावधान महान्यायवादी के लिए, वही प्रावधान राज्य स्तर पर महाधिवक्ता के लिए, ठीक है। और कार्य एवं शक्तियां भी बिल्कुल वही, केंद्र की जगह राज्य आप रिप्लेस कर दो, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल रिप्लेस कर दो, केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार, संसद की जगह विधानसभा, ठीक है। तो ये राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है, वो केंद्र को देता था, ये राज्य को देता है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कार्यों का निष्पादन करता है, वो प्रेसिडेंट का, ये गवर्नर का। उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होना, किसी भी क्षेत्र की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार, विधानसभा के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार, वो संसद की कार्यवाही में करता है तो ये विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है बट विदाउट अ राइट टू वोट। विधानसभा सदस्य की तरह भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त, ठीक है। तो महान्यायवादी पढ़ लिया आपने, तो उसी पॉइंट में आप इसको पढ़ लीजिए, वो सेंट्रल ये स्टेट लेवल, दैट इज इट, ठीक है। सो दैट इज इट विद द टॉपिक ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका में जो कुछ आपके सिलेबस में मेंशन है वो उसमें इतनी चीज़ें हैं, इसमें से सारे प्रीलिम्स और मेंस की सभी टॉपिक कवर हो जा रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स वालों को प्रीलिम्स के फॉर्मेट के और मेंस वालों को मेंस के फॉर्मेट के, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे जैसे इसके बाद। सो थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।